रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में गेहूं की फसल पर पीले रतुओं ने कहर ढाना शुरू कर दिया है, जिस कारण किसानों की सैकड़ों कनाल भूमि पर बीजी गई गेहूं की फसल बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। किसानों ने गेहूं की फसल की बिजाई के लिए हजारों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन पीले रतुआ के कहर ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने पर मजबूर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर लोग कृषि करके ही अपने घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। किसान खून पसीने की कमाई के हजारों रुपए खर्च कर खेतों में फसलों की बिजाई करते हैं। किसानों ने इस बार भी गेहूं की फसल को बेचने के लिए हजारों रुपए के बीज व खाद डालकर खेतों में गेहूं की फसल को लगाया है, लेकिन गेहूं की फसल पर पीला रतुआ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिस कारण किसानों की लाखों रुपए की फसल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों की माने तो पीला रतुआ पहाड़ों के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये मैदानी क्षेत्रों में भी इस रोग ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, जो गेहूं की फसल को नष्ट कर देता है। मैदानी क्षेत्रों में सामान्यतः गेहूं की अगेती और पछेती फसल को ज्यादा प्रभावित करता है। जनवरी और फरवरी माह में गेहूं की फसल को पीला रतुआ रोग लगने की अधिक संभावना रहती है। इस रोग में फफूंदी फफोले पत्तियों पर पड़ जाते हैं, जो कि बाद में बिखर कर अन्य पत्तियों को भी ग्रसित कर देते हैं। गेहूं के पत्ते पीले होना ही पीला रतुआ रोग नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पीला रतुआ बीमारी में गेहूं के पत्तों पर पीले रंग का पाउडर बनता है, इसे छूने पर हाथ पीला हो जाता है। हिमाचल के निचले और गर्म क्षेत्रों में ये रोग अधिक पाया जाता है। तापमान में वृद्धि के चलते गेहूं के रोग इजाफा होता रहता है। फसल के इस रोग की चपेट में आने से कोई पैदावार नहीं होती और किसानों को फसल से हाथ धोना पड़ता है। इस बीमारी के लक्षण प्राय ठंडे और नमी वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि इस रोग से निपटने के लिए कृषि विभाग द्वारा जागरूक किया जाए और मुफ्त में कीटनाशक का खेतों में छिड़काव किया जाए, ताकि किसानों को आर्थिक हानि न उठानी पड़े। सर देखिए, पहले तो यहाँ आवारा पशुओं ने काफी नुकसान पहुँचाया है फसल को, और अभी जो है आपके सामने है पीला रतुआ की चपेट में सारा गेहूं आ चुका है। तो विभाग का भी कोई कर्मचारी यहाँ पे आता नहीं है, ना ही तो फुल गाइडेंस देता है कि कौन सा इसमें दवाई डालनी चाहिए और किस प्रकार से इसकी देखरेख करनी चाहिए। तो हमें अपने कृषि विभाग से अनुरोध है और हमारी सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए कोई ना कोई उपचार किया जाए, या तो कोई यहाँ पे कैंप लगाया जाए हमारी पंचायत में, जिससे इस रतुए की रोकथाम को की जा सके। और हम इसमें काफ़ी सारा पैसा किसान लगा चुके हैं गेहूं का और इसकी ट्रैक्टर की बुआई वगैरह का, तो अब कोई इसकी दवाई बताई जाए जिससे रतुआ की रोकथाम अच्छे से की जा सके। कि पहले तो यहाँ पे आवारा पशु जो हैं इतने हैं कि फसल को बर्बाद करते हैं, और अभी क्या है कि पीला रतुआ एक जो है ये फसल में लग गया है, जिसकी रोकथाम के लिए हम चाहते हैं कि विभाग जो है, कृषि विभाग जो है, कोई कैंप लगवाए जिससे कि हमें जागरूक करे कि हमें इसको कैसे इसकी जो रोकथाम की जाए पीले रतुए से। तो हमारा यही कहना है सरकार और विभाग से कि हमें यहाँ पे गाइड करें, आके समझाएं कि कैसे कैसे इसको जो है हमने इसका उपचार करें, ताकि जो हमारी फसल जो है वो सही हमें उपज दे सके। वहीं कृषि विभाग उपनिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह वर्मा का कहना है कि पीला रतुआ बीमारी से निपटने के लिए विभाग किसानों को जागरूक कर रहा है और बीमारी से निजात पाने के लिए दवाई छिड़काव के लिए बांट रहा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि नजदीकी कृषि केंद्र में जाकर दवाई लेकर जल्द गेहूं की फसल में छिड़काव करें। पीला रतुआ जो है वो पत्तियों पर, पत्तियों की धारियां जो है वो पीली हो जाती है, और ये जो चूर्ण हल्दी के पाउडर जैसा चूर्ण निकलता है, और इसके बचाव के लिए कृषक भाइयों से अनुरोध है कि प्रोपीकोनाजोल 25 EC 0.1% का घोल 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव करें। ये लगभग एक कनाल के लिए 30 मिलीलीटर 30 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव किया जाता है। कृषकों को से छिड़काव दवाई का छिड़काव करवा दिया है, और अभी भी हमारे पास लगभग
85-90 लीटर प्रोपिकोनाजोल उपलब्ध है। और दोबारा हम यही अनुरोध है फार्मर्स कृषकों से कि वो हमारे खंड स्तर पर कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी या विषयवाद विशेषज्ञ से संपर्क करें यदि ये लक्षण पीले रतुए के दिखाई देते हैं।